अमीरों की फैमिली। मम्मा देखो ना, मेरा स्क्रब खत्म हो गया। ओहो बेटा, जाके दूसरा ले लो अलमारी से। हमारी फैमिली। ऐ मम्मी देखो ना, ये खत्म हो गया। ऐसे कैसे खत्म हो गया? अमीरों की फैमिली। मम्मा मुझे चोट लग गई। ओ बेटा चल चलो डॉक्टर के पास। हमारी फैमिली। मम्मी चोट लग गई। भाई ये कोरोना वायरस ने हालत खराब कर दी है, अब तो ये हिंदुस्तान में भी आ गया है, अब क्या होगा? ये दुनिया हिला दी एक वायरस ने जिसका नाम कोरोना, हिंदुस्तानी कहता। ये बताओ टीवी कितने घंटे देखते हो? सर 0 घंटा। और व्हाट्सएप? 3 घंटा। और दोस्तों के साथ? 1 घंटा। और स्लीपिंग? 6 घंटा। और टिकटॉक? 14 घंटा। फिर पढ़ाई? घंटा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? तो ये जो अभी दिखा है इसके पहले वो मेरी डॉटर के टिकटॉक है, तो आप प्लीज़ देखिएगा, और उनकी लिंक भी मैं दूंगी बाद में। तो अब शुरुआत हो रही है आज के ब्रेकफास्ट की, और ब्रेकफास्ट में हम बना रहे हैं गोभी का पराठा। आज का व्लॉग चालू हो रहा है 9:30 बजे से, क्योंकि बच्चे आजकल छुट्टी चल रही है और लॉकडाउन चल रहा है, तो रात को लेट सोते हैं और फिर सुबह 10-10 बजे तक सोते हैं। फिर हमारा वाटर नल वगैरह आता है, तो हम पानी भर के फिर हमारा ब्रेकफास्ट चालू करते हैं। तो ये मैं गूँथ रही हूँ अच्छे से, और इसको है ना अच्छे से मल के, तब तक वो पक रही है गोभी की सब्जी जो मिक्स मैंने रात को करके रख दिया था। में हमने आलू मिक्स किया और उधर मैंने वो बघार के रेडी कर लिया था, और इधर मैं आटा लगा रही हूँ। आटे में थोड़ा सा ऑयल मिक्स करके और थोड़ा सा नमक वगैरह डाल के अभी ये मैं आटा डो बना रही हूँ, और ये डो बनाने के बाद में वो गोभी इसमें भरूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये मैं गूँथ रही हूँ अच्छे से, ये देखिए। और ये हम रोटी इसी में बनाते हैं, ये जो दिख रहा है ना कटोरा, इसी में हम बनाते हैं, और यही हम लोगों के लिए हो जाता है इतने। और मैं ये रेडी हो गया, और नीचे उठा के हम नीचे बैठ के कर रहे हैं सिगड़ी पे, क्योंकि ये ना गैस बचाने के चक्कर में ये लॉकडाउन की वजह से ऐसा लगता है कि कहीं घर के बाहर नहीं निकलो, तो हम ये सिगड़ी पे कर रहे हैं। और ये सुबह का टाइम है तो धूप भी अच्छी आती है। और ये देखिए मैं बेल रही हूँ, और इसमें वो भरूँगी अभी वो जो बनाया है, ये देखिए। और बना के फिर शुरुआत में ना थोड़ी सी टूट गई थी, क्योंकि वो मेरे से तवा गर्म नहीं हो गया था, तो ऑयल डालना भूल गई थी। तो ये मैं बना रही हूँ, भर रही हूँ, देखिए। और मैं अच्छे से बेलूँगी फिर इसके बाद। और आपके यहाँ भी तो नए नए डिश अब घर में है, तो इसी बहाने चलो नए डिश, और उसी में जितना लंबा चले इसलिए थोड़ा सा झुक झुक के करना चाहिए, क्या बोलते हैं आप में पता नहीं, मतलब बचा के करना चाहिए। तो ऐसे ही कर रहे हम लोग भी, ब्रेकफास्ट करते तो दोपहर को थोड़ा हल्का फुल्का खाना खा लेते। और ये देखिए ये बाहर निकल रहा था, और ये जो बघारा, ये जो सब्जी मतलब बघारी थी, और रात को मैंने किसकी रख दी थी, तो ये इन्होंने बघारी थी, क्योंकि आज ये बोल रहे थे मैं, और उसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा हो गया था, और या पता नहीं क्या, तो वो बाहर ही निकल जा रहा था, ये बन नहीं रहा था। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की बनाने की, और बन भी गए, बहुत अच्छे बने थे गाइस, और बहुत टेस्टी, बच्चों को तो बहुत, कैसे, क्योंकि ये है ना सब्जी वब्जी खाते नहीं है बच्चे, तो चलो इसी बहाने कोई हेल्दी शरीर में जाए, तो वो क्योंकि मटर वो पराठे के बहाने उनके पेट में चला भी जाए। ये देखिए फिर मैंने तवे में डाल दिया है, और उसके बाद मैं दूसरा बना रही हूँ, और दूसरा थोड़ा अच्छा बना था, फिर बनाते बनाते ये थोड़ा टूट जाएगा, तो इसको आप प्लीज़ अवॉइड कर देना। और बहुत, हालांकि इसकी टेस्ट बहुत अच्छी बनी थी। और ये जो कढ़ाई हम, ये जो किचन के बाहर बीच वाला कमरा है, वहाँ पे बैठ के बना रहे, बैठने में थोड़ा अलग ही मज़ा आता है। आज हमने पूरा खाना भी उसी में बनाया, ये देखिए। और मैं दूसरा बेल रही हूँ, ये थोड़ा टूटने के चक्कर में था, और मुझे गर्म लग रहा था, तो मैं धीरे धीरे बना रही थी। और बच्चों को भूख लग गई थी, डिंकी को भी परी को भी, तो वो बहुत जल्दबाजी कर रहे थे, तो मैंने सोचा पहले, फिर उन्होंने बोला कि हम साथ में खा लेंगे, तो फिर मैं धीरे धीरे बना रही थी। गाइस बहुत टेस्टी बने थे, और सबके आप बन ही रहे हैं। और ये थोड़ा मैंने सेकंड बार बनाया है, मेरे जिन नया नहीं है, मैंने सेकंड बार बनाया, बहुत अच्छा बना था। अब घर में है तो यही चलो बना के देखो, कुछ कुछ बना के इसी बहाने, नहीं तो ड्यूटी जाते हैं तो बेचारे वही 12 बजे आएगा लंच के और चले गए, तो ब्रेकफास्ट तो वो करते हैं लेकिन अपनी ड्यूटी पे करते हैं। और घर में सबके साथ सुबह बस संडे को ही मिलता था, तो चलो इसे ये देखो टूट रहा था, तो मैं डिंकी को बोल रही, डिंकी थोड़ा चिमटा दे दो, जो रोटी छेकना, ये कच्चा था ना पका, तावा थोड़ा मतलब गर्म नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि वैसे ही रख दी।
लेकिन बहुत अच्छे बने थे। उसके बाद ये दिंकी को ये गए, फिर ये थोड़ा चिमटा दे रहे थे। बहुत हेल्प करते हैं सिद्धार्थ मेरे से, और बहुत उनकी हेल्प है, और हमारी जोड़ी भी बहुत अच्छी है, और हमारी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है। कभी किसी दिन हमारी कहानी बताएंगे। और देखिए ये पक गया, फिर पलट दिया है, और इतनी हेल्प करते हैं पानी में। घर में तो ऐसा लगता ही नहीं कि वो मतलब बैठ के खा रहे हैं या मुझे परेशान कर रहे हैं, कुछ नहीं। और देखिए शेकम डाला बहुत अच्छा बना था, वैसे बन गया था ये भी, लेकिन थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैंने टूटने नहीं दिया। देखिए और सब क्या होता है ऐसा, आप क्या भी हो रहा है। ये देखिए उठ के और ये जा रहे हैं और ये बैठ गए। थोड़ा सा बस इनका थोड़ा सा इग्नोर है कि उनको साफ़ सफाई बहुत पसंद है, ऐसा मत करो ऐसा मत करो, ये थोड़ा रोक टोक, ये थोड़ा आपका आपके यहाँ भी होता ही होगा रोक टोक करना, तो मेरे यहाँ तो हो रहा है। बार बार टोकते हैं कि ऐसा मत करो, नीचे मत रखो, ये मत करो, ऐसे ऐसे पेपर रखो। कब तक अपन खुद को ये, और मैं बाद में इसको ना तेल लगा रही हूँ। देखिए फिर तेल लगाने के बाद फिर और मैं हमारे यहाँ है ना गाइस, ये नहीं घी नहीं खाते हैं कोई, आवाज डिंगी को भी पसंद नहीं है घी, और परी को भी पसंद नहीं, तो ये मैं ऑयल लगा रही हूँ और फिर ये गरम गरम परोस। बहुत अच्छे बने, मैं बार बार बता रही हूँ कि बहुत अच्छा है। मैं सेकंड बार बनाई, पिछली बार का मैंने आपको दिखाया नहीं, चलो मैंने कहा इसी बार इनको। और इसमें मैंने आलू क्रिस्प, आलू भी किस के डाला था और पालक भी डाली थी, इसलिए बहुत अच्छा बना और क्रिस्पी क्रिस्पी। और इसमें मैंने जब आटा गूंथा था ना, तो उसमें थोड़ा सा रवा डाला था, मतलब ताकि अच्छा क्रिस्पी बने, क्योंकि बच्चों को। और ये बन के तैयार हो गया है और ये मैं प्लेट में लगा रही हूँ, देखिए। और फिर ऐसे बना के मैं तैयार कर दिए पूरे। सब क्या बन रहे हैं नए नए डिश, और बचत भी करना है ज़रूरी, क्योंकि कैसे चलेगा। दिन ऐसे दिन आ रहे हैं, ये दूसरी बार मैंने पक के तैयार हो गया मेरा, और कब तक चलेगा पता नहीं। और वैसे तो हमारे इधर सब्जी वाले भैया आ गए थे, तो हमने कल सब्जी ले ली थी थोड़ी थोड़ी, ताकि लेकिन अगर नहीं हो गई ये चेन टूटी तो पता नहीं कैसे चलेगा। और मई तक कौन समझ में आए कि मई तक कर रहे, पता नहीं कैसे होगा कैसे। सबको चिंता लग रही है, आपको भी चिंता लग रही होगी कि अच्छे, और घर में रह रह के भी बोर हो रहे हैं, बच्चे भी बोर हो रहे हैं, यार कैसे चलेगा पता। लेकिन लड़ना तो ज़रूरी है, कोरोना वायरस को मात देना जरूरी है। और ये देखिए बन के तैयार हो गए मेरे पराठे, और हम जाएंगे नाश्ता। ये डिंकी ने लगा पलंग पे, ये चेयर वगैरह डिंकी लगा रही थी, मैं वहाँ का साफ, फिर मैं आके। और ये देखिए हम नाश्ता ब्रेकफास्ट कर रहे हैं पेपर, ताकि ये चादर को ऑयल नहीं लगे, और ये पेपर डाल के हम सब खा रहे हैं। और आप भी आइए, आप भी ले लीजिए, तब तक हमारे साथ मज़ा ले लीजिए। देखिए ये भी खा रहे हैं, मैं भी खा रही हूँ, और हम चारों ही हैं। अच्छा लग रहा है, कोई मुझे तो बोरिंग नहीं, क्योंकि इसी बार ने हस्बैंड भी अपने पास रहते, बच्चे भी सब रहते, फिर तो वही शुरू हो जाता है। सुबह उठो, काम करो, जल्दी जाना है, आने वाले बच्चे स्कूल से आने वाले। गाइज तो आइए आप भी हमारे साथ, और ये नमकीन के मज़ा लीजिए, और गोभी के पराठे बनाए, तो आप भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लीजिए। अरे परी है, ये डिंकी कैसा बना? अच्छा। और पापा कहाँ गए? और वो भी गए हैं, और हम सब खा रहे हैं और आपसे बात कर रहे हैं। आप भी तो ऐसे कर रहे होंगे ना लॉकडाउन के चलते, तो आइए आप भी मज़ा लीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए गाइज प्लीज। ये देखिए अब इनकी ये आदत है, इनको पराठा मिलके भी वो रात की रोटी गरम करके आए और वो नमकीन के साथ खाएंगे। देखिए ये है ताज़ा खाने का इनको है ना, ये नहीं होता है। और फिर लंच के बाद फिर हम थोड़े से बैठे, उसके बाद फिर मैं सफाई कर रही हूँ, मुझे जाला वाला दिखा था, तो इसी बार मैं आज पूरी सफाई में लग गई थी। और ये टाइम हो गया था, डेढ़ बज चुका था, तो पलंग के नीचे बच्चे हैं ना वो बैठी है, बड़ी वही बैठती है, तो चिटू चिटू कुछ काटती रहती है, तो वही कचरा हो जाता है, तो मैं पलंग के नीचे से सफाई कर रही हूँ और झाड़ू लगा रही हूँ। आज मैंने पूरी सफाई अलमारी में कपड़े वपड़े सब जमाए रखे। और फिर ये 2:30 बजे का समय है, और हमारे यहाँ दोपहर को दूध वाले भैया आते हैं, तो ये डिंकी दूध लेके आई और ये गरम कर रही है दूध। मैं शायद मैं नहाने गई थी या कुछ और सफाई कर रही थी, तो वो डिंकी दूध गरम कर रही है। यहाँ पे दूध गरम हो रहा है गैस पे, और फिर उसके बाद दूध हमारे यहाँ 2:30 बजे, फिर उसके बाद हमने खाना खाया। तीन आज हमको लंच में 3 बज चुके थे, और लंच में हमने खिचड़ी बनाई थी सिंपल ही। अब दूध ये आ गया है, उबल गया है, और ये दूध गर्म करके रेडी। तो हेलो एवरीवन,
और अब भी मैं फुर्सत हुई हूँ नहा के, और अभी हम मैंने लंच किया है, अब बज गए 2:30 और फिर ना बाल सुखा रही हूँ, तो आपसे भी बात कर रही हूँ। और देखिए डिंकी अपनी व्यस्त है मेहंदी निकालने में, और देखिए उसकी मेहंदी, हाथ दिखाई बेटा, हाथ दिखाओ, वो प्रैक्टिस कर रही है अपनी फिनिशिंग, देखिए कितनी आ गई है। हाँ आ गई हूँ ये देखिए, और परी भी अपनी प्रैक्टिस कर रही है मेहंदी की, वो कॉपी में कर रही है, और ये पढ़ रहे पेपर और टीवी और मूवी देख रहे हैं, और मैं अब फ्री हो गई हूँ तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, और कब तक चलेगा और घर में कितने आप भी घर में होंगे, हम सब घर में हैं और क्या करें, घर में रहो काम करो। तो अभी आज मैंने घर में सफाई का काम निकालना था, मैंने अलमारी के कपड़े वपड़े सब जमा के रख दिए, और जो नए पहनने वाले थे वो सब दीवान में रख दिए हैं, और फिर वो बाकी साफ सफाई का जो था, छोटे बड़े कपड़े जो नए पहने थे, वो जो बच्चे के छोटे हो गए थे, वो सब कपड़े निकाल के मैंने रख दी, ताकि कोई ज़रूरतमंद आएंगे तो उनको देने में आसानी हो जाए। और यही सब चल रहा है, और आज हमने लंच में जस्ट खिचड़ी बनाई थी हल्की फुल्की मूंग दाल वाली, क्योंकि दिन में हमने सुबह 11 बजे हमने किया था, आपको तो दिखाया ही है कि वो पराठा जो बनाया हमने गोभी के पराठे, तो बहुत हेवी हो गए थे, और बच्चे गोभी खाते नहीं है, तो इसमें क्या है कर दो वो ऐसा पराठा वराठा बना के दे दो तो वो खा लेते हैं, नहीं तो है ना गोभी की सब्जी तो बिल्कुल खाते ही नहीं है बच्चे, तो मैंने बना लिया था, तो इसलिए हमने आज सिंपल सी लंच में खिचड़ी बनाई थी और आपको दिखाई नहीं। और अभी मैं फ्री हो गई हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, कैसा लग रहा है सबको घर में, अच्छे इंजॉय कर रहे होंगे सब? अब हम तो इंजॉय कर रहे, लेकिन टेंशन भी है काम का, कैसे चलेगा कैसे, अब मिडिल क्लास फैमिली का यही तो रोना रहता है, अब क्या करेंगे कैसे ये करेंगे सब, जल्दी भगवान करे जल्दी लॉकडाउन बंद हो जाए और सब अपने अपने काम को, इसलिए सब घर में ही रहो और घर के बाहर मत निकलो, और सब ये जो कोरोना वायरस की चेन है ना ये तोड़ना ज़रूरी है गाइज, तो इसलिए सब मैं भी अपने घर में हूँ, आप भी मेरी भी फैमिली, देखिए बोर तो हो ही रहे लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कोई काम निकालो। अब मैंने भी अभी 2:30 बजे तक अपना समय तो ये कर दिया है, और अभी मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, उसके बाद शाम को 6 बजे के बाद आपको मिलती हूँ। फिर उसके बाद 3:30 बजे अब नहा खाना वाना लंच वंच हो गया था हम लोगों का, तो बोर हो रही थी, फिर बच्ची भी डिंकी तो फिर ये प्रैक्टिस कर रही है, देखिए कितनी प्यारी लगाई, आप ही बताना कि कितनी प्यारी लगाई है, और फिनिशिंग तो बहुत आ गई है, ये निकाल के दे रही है, और बहुत प्यारी मतलब रची थी हाथ में, और फिनिशिंग बहुत अच्छी दे रही है, तो मेहंदी लगा वही कर रही है, रोज़ रोज़ हम कोन ला के दे रहे हैं, और रोज़ रोज़ प्रैक्टिस कर रही है। इधर परी भी कर रही है, आपको दिखाती हूँ, ये परी भी कर रही है, परी अपने हाथ में भी निकाल रही है और ड्राइंग में भी की है उसने, देखिए उसकी वो भी, उसका आज दूसरा दिन है प्रैक्टिस करने का, तो भी कर रही है प्रैक्टिस। अब क्या पेंटिंग कर करके बोर हो गए बच्चे, तो कुछ ना कुछ तो हॉबी होनी चाहिए, और इनमें ये पेंटिंग ये सब बहुत हॉबी, इनके पापा भी अब मैं दिखाऊंगी, उनके पापा भी बहुत अच्छे पेंटिंग करते हैं, और देखिए कितनी प्यारी बनाई है, बहुत प्यारी। और फिर मेहंदी लगाने के बाद फिर ये 4:30-5 बज चुके थे, और ये सो गए थे आराम कर रहे थे, तो डिंकी को बोली कि चाय बना, चाय बहुत अच्छी बना लेती है, हमने चाय उसको सिखा दिया है, वो फ्रिज में से दूध निकाल के और ये चाय बनाए, चाय रख दिया था उसने गैस पे, और उसके पापा को उठा रही थी, और ये चादर वगैरह ये उसका ही काम है, सुबह खाना ज़रूरी है। और ये देखिए चाय बहुत प्यार, चाय भी बहुत अच्छी, इसकी चाय की तारीफ है ना बहुत लोग करते हैं, जो भी आते हैं मैं उनको बोलती हूँ, जैसे हमारे रिलेशन वाले आते हैं बहुत अच्छी इसके हाथ की चाय बनती है बोलते, और ये मुझे भी दे रही, बच्चों को सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि है ना कुछ अपन नहीं रहे और हम पी रहे हैं, और ये भी पी रहे हैं, इनको उठा के वही बैठ के वो कंबल ओढ़ के, क्योंकि ठंडी है हमारे इधर। फिर और उसके बाद ये बैठे, उनको भी बोर लग रहा था, घर घर में जो इंसान काम करने बाहर जाने वाला है वो लोग तो ऐसे, और देखो इन्हें हूबहू ऐसे पेंटिंग निकाली, गाइस बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, हूबहू देखिए, और जैसे इसमें देख रहे हैं ना वैसे उन्होंने बनाई है, मैं आखिरी में आपको दिखाऊंगी इसमें, वो देखिए जैसे, अब वो तो स्केच पेन से कलर भर रहे, पहले तो पेंसिल से निकाल लिया था ये 2-3 दिन पहले, और आज वो कलर भर रहे और कुछ कल करेंगे। ये डिनर की तैयारी चल रही है, और ये बोल रहे थे आज मैं, और डिनर में हम बना रहे हैं मटर,
तो मटर को इन्होंने उबाल दिए थे चावल के साथ और ये प्याज काटने बैठ गए। ये नीचे बैठने में मज़ा ही अलग है बता रहे हैं, और ये भी नीचे बैठ के शेक दुपे बना रहे हैं ताकि गैस बच सके, यही बता रहे हैं हम लोगों को, हम आपको। और और इधर डिंकी भी कुछ अपना बना रही, वो आटा वाटा वो किचन में गई थी, वो बच्चों का खेल खेलते उस टाइप की, वो भी रोटी बना के देख रही तो कुछ कर रही है, वो आटा गूंथ के। उधर परी भी कर रही, इधर डिंकी भी कर रही है, और ये परी भी टीवी देखते देखते अपना चालू कर रही है, कोई रोटी छोटे छोटे वो सेवई कैसे बनाते उस टाइप की वो बना। और ये देखिए ये रोटी बेल रहे हैं, सब खाना आज उन्होंने ही बनाया था, बोल रहे थे आज मैं नहीं बनाऊंगा। और ये देखिए बना रहे रोटी, पहले रोटी बना रहे क्योंकि कुकर ठंडे होने का था, कुकर में उन्होंने मटर मतलब पकने के लिए रख दिए थे उबालने के लिए थोड़ा सा, तो ये रोटी भी बना रहे हैं आज। फिर उसके बाद उन्होंने सब्जी ये कर दी थी चालू, और उसमें उन्होंने मटर की सब्ज़ी बघार रहे हैं। और ये देखिए उसमें प्याज व्याज लाल मिर्ची पाउडर, और उसके बाद धनिया पाउडर, इसके बाद डालेंगे धनिया पाउडर, ये मसाला जितना बचा था उतना ही डाल रहे हैं क्योंकि जब ये नहीं कर रहे थे। और बहुत अच्छी सब्ज़ी बनाई थी गाइस, बहुत टेस्टी बनाई थी। और उसके बाद ये थोड़े से पकने देंगे, इनका बनाने का स्टाइल थोड़ा मेरे से अलग है, ये पहले मसाले में पानी डाल के पकाते हैं उसके बाद है ना अच्छे से पका लेते हैं, और मैं इतना टाइम नहीं लेती हूँ, ज़्यादा ही टाइम लेते हैं, और गाइस बहुत अच्छी बनती है। अब ये पकने के बाद ये थोड़ी सी हल्दी छोड़ रहे, ये देख रहे हैं कि हल्दी कहाँ है, और ये हल्दी डालेंगे एक चम्मच, और उसके बाद धनिया पाउडर ये देखिए डालते हैं मिलाते हैं जाते हैं, और उसके थोड़ी देर बाद ये धनिया पाउडर, ये देखिए धनिया पाउडर हमने घर में बना के रखा था, धनिया थे तो हमने घर में मिक्सी में बना के रख दिए हैं, ये धनिया पाउडर मिक्स कर रहे हैं। और उसके बाद ये डालेंगे टमाटर, मैं टमाटर पहले डालती हूँ तो ये बाद में डालते हैं, और ये इसके बाद गर्म मसाला, और गर्म मसाला हम हर सब्ज़ी में खाते हैं गाइस। और देखिए या उसके बाद ये टमाटर, और इसके बाद है ना ये बहुत पकने देंगे, देखिए पानी छोड़ते हैं, और पानी छोड़ने के बाद अब ये प्लेट लगा के वो जो टमाटर गल जाते हैं ना गलने तक ये पकाते हैं, उसके बाद जो सब्जी है वो मटर वो डालेंगे, और ये नमक अब ये बाद में स्वादानुसार नमक, ये इनको नमक ज़्यादा लगता है, हमारे यहाँ नमक थोड़ा ज़्यादा ही खाते हैं। और फिर ये देखिए पक गई है, ये मसाला अच्छा पक गया था, और प्लेट ढक ढक के पकाते हैं, और उसके बाद ये देखिए प्लेट ढकाएंगे फिर और उठाएंगे, क्योंकि भाप में ना अच्छे उनका कहना है भाप में, और ये बहुत अच्छी सब्जी बनाती है, बहुत एक नंबर बनती है, मेरे हाथ से ज़्यादा मेरे बच्चे आए ना इनकी पसंद करती है। और फिर ये मटर छोड़ देंगे इसके बाद, क्योंकि उबाल रखे थे ये परी है ना खाते नहीं, उबले हुए थोड़े से अच्छे क्रंची भी लगते हैं, मतलब जल्दी ये भी जाएंगे पक भी जाएंगे करके हमने आज एक मटर को एक सीटी लगा दी, उसके बाद ये मटर उसमें डाल दिए हैं, और ये अच्छे पकाएंगे उबाल आने तक, ज़्यादा पकाना नहीं बस एक उबाल आने तक पकाना है, पहले मसाले में पका लेंगे ये, और ये पकने के बाद मतलब मैं दिखाऊंगी, अब ये पक रही है, और पकने के बाद देखिए ये ऐसी बन गई है, देखिए कितनी प्यारी बन गई है। और फिर हम ये लंच की ये डिनर की तैयारी है, और हम बैठे अब ये परोस रही है परिवारी को दे रहे, और मैं थोड़े उधर ला रही थी सामान वामान, तो ये देखिए परोस रहे हैं, और ये पेंटिंग इनकी इन्होंने बनाई है और बहुत अच्छी लग रही है। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, और अपना ख्याल रखिए और घर में रहिए।